बहुत ज़्यादा, इन लोग भी बहुत ज़्यादा एक्टिव देखते हैं। सबसे ज़्यादा तो वाइट वाली इतना देख रहे हैं। ये देखिए अब ये खाली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको अपनी फायर रेड ऑस्कर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ और उसे फीडिंग भी देने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारी नई वाली फायर रेड ऑस्कर, जिसे हमने कल ही सुबह डाला था, तो देख सकते हैं। और मैंने अभी तक इसे फीडिंग नहीं दी है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन हो चुके हैं और एक दो दिन वैसे भी मछलियों को फीडिंग नहीं देना चाहिए अगर वो अच्छी तरीके से सेट नहीं हुई है। तो देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा शांत है और ऑस्कर ऐसी रहती नहीं है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा दिन टाइम लेगी सेट होने में अच्छी तरीके से। देख सकते हैं इसे कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, ना हमारी बड़ी ऑस्कर, ना छोटी ऑस्कर, ना ही आरटीसी, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है उसे। तो देख सकते हैं ये एक कॉर्नर पे आके बैठी हुई है। तो आज मैं इसे फीडिंग देने वाला हूँ और वही नॉर्मल फीडिंग होगी जो हम एग देते हैं सारे फिशेस को, वैसे ही देने वाले। तो देखना पड़ेगा कि ये खा रही है नहीं खा रही है, और मुझे देख के तो लग रहा है ये मेल है। देख सकते हैं अब वो तो आगे पता चल जाएगा कब होगा मेल। ये देखिए ये फीमेल कितनी ज़्यादा बड़ी है, इसके कलर आप देखिए गाइस। और ये तो है ही, इसके कलर उतने खास नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे पास अब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाली फ़िश है जिसका कलर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा आगे वाले दिनों में। तो चलिए मैं एग लेके आता हूँ, और वैसे तो मैं उसे बॉईल करके रख चुका हूँ। ये देखिए इसका कलर, वाह वाह वाह, सबसे बेहतरीन कलर इसका है। और ये एक लोकल ऑस्कर है, आपको पहले ही बता देता हूँ मैं। ये देखिए और इसका कलर, कौन बोलेगा कि ये लोकल है। अगर आप फीडिंग अच्छा देंगे तो आपकी लोकल फिश भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लग सकती है। देखिए इस तरीके से कुछ दिखेगी। तो चलिए मैं जल्दी से लाता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसे फीडिंग देके। और ये देखिए आरटीसी हमारी प्यारी प्यारी प्यारी, वाह वाह, बहुत ज़्यादा सुंदर है यार ये भी। नहीं, आप लोगों को इसका मुंह अलग क्यों लगता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, आरटीसी का मुंह ऐसा ही रहता है भाई। पता नहीं आप लोग कौन सी आरटीसी देखे हैं, लेकिन यही है वो हमारी ख़तरनाक आरटीसी, रेड टेल कैटफिश जिसे कहते हैं। ये देखिए सारी फिश आ चुकी है। चलिए अब मैं एग ले आता हूँ और फिर सबको देते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या कैसे खाने वाली, वो खाएगी या नहीं खाएगी, सब पता चल जाएगा आज के आज। तो ये देखो दोस्तों, सब के सब रेडी हो चुके हैं, मछली लोग हमारा एग देख चुके हैं। ये देखिए सबसे ज़्यादा तो वाइट वाली इतना ज़्यादा एक्टिव रहती है खाने के लिए, लेकिन देख सकते हैं नई वाली ऑस्कर वो कॉर्नर पर बैठी हुई है और बहुत ज़्यादा उदास है, पता नहीं क्यों, वो किस बात से उदास है देख सकते हैं। बाकी लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मैं आपको एक और चीज़ में बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे टैंक में अभी तक मैंने हीटर लगाया नहीं है, तो क्या पता शायद उस वजह से ये थोड़ी सी परेशान हो, क्योंकि ये जब जहाँ से मैंने लाया था इसे वो हीटर में रहती थी, देख सकते हैं। तो क्या पता उस वजह से ये शायद थोड़ा एक्टिव नहीं है, तो हम बहुत जल्दी एक हीटर लाने वाले हैं इसके लिए। लेकिन बाकी फ़िश को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, देख सकते इतनी ठंडी पड़ रही है, लेकिन फिर भी मैंने अभी तक हीटर नहीं लगाया है। और ये वाली सारी फ़िशेस तो बढ़िया है जो हमारे पास पहले से थी, ये मैंने अभी अभी लाया है, तो शायद देखते हैं हीटर लगाने के बाद ये इसको अच्छा लगता है या नहीं लगता, वो तो हीटर लगाने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर चलिए जल्दी से इसे फीडिंग दे के देखते हैं, क्या पता फीडिंग खाने के बाद इसको अच्छा लगे और ये फिर मज़े से घूमने लग जाए। ये देखिए हमारा टैंक क्या सुंदर दिखता है यार। और मैं आप लोग से कहता हूँ, मेरी वीडियोस को आप हाई क्वालिटी में ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आती है। तो 720p या फिर मैं तो 4K में डालता हूँ, तो आप जो चाहें वो देख सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी वो दिखेगी अगर आप हाई क्वालिटी में देखेंगे। तो चलिए बातें बहुत हो गई, देखिए आवाज़ सुन रहे हैं आप हमारी मछलियों का हिलना डुलना। ये देखिए क्या देख रहे हैं भाई ऑस्कर लोग। तो चलिए थोड़ा सा देंगे इस साइड और थोड़ा उस साइड, यहाँ देंगे कुछ, और हमको तो मेन इसको खिलाना है। तो ये देखिए इस गधी फिश के, इन लोग तो सब बहुत बढ़िया खा रहे हैं देख सकते हैं। और ये देखिए हमको मेन इसके ऊपर फोकस करना है, और देखते हैं ये खाती है कि नहीं एग। खा लो भाई, नहीं तो यहाँ बहुत सारे। ये देखिए भाई, ऑस्कर कभी खाना खाना नहीं भूल सकती, ये तो मैं आज जान लिया हूँ। ये देखिए ऑस्कर चाहे कभी भी लाएं आप, छोटी बड़ी कुछ भी लाएं, ये खाना तो ज़रूर खाती है, ये तो मैं समझ चुका हूँ, क्योंकि मैंने इतने सारे ऑस्कर देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। आप लोग जानते हैं जैसे ग्रीन टेरेट भी एक दो दिन खाना नहीं खा रही थी, लेकिन ये शुरू दिन से ही खाना खा रही है देख सकते हैं। एक दिन बस वो गैप छोड़ा था हमने, वो छोड़ना ज़रूरी भी है,
ये देखिए आरटीसी, तो खतरनाक आरटीसी हमारी प्यारी सी, ये देखिए अब ये खाली है। तो इसे पता चल चुका है कि हम यहाँ इन्हें अंडा देते हैं ढेर सारे। वाह वाह वाह, आप लोग देखे कि नहीं इसे, क्या बहुत सुंदर तरीके से खाती है। इसके पास जो मैनर है वो किसी के पास नहीं है। ये हमारे, ये मुझको बहुत अच्छी तरीके से पहचानती है। देखिए मुझे कुछ भी नहीं करती, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। बॉब बहुत होशियार है, लेकिन ये लड़की है, लड़की होके भी होशियार है, ये तो बड़ी डाउट की बात है। तो ये देखिए, ये तो खा ली है, इसको हम थोड़ा सा और देंगे क्योंकि इसके मुंह पे भी भरा हुआ है, और थोड़ा वो बड़ा पीस भी खाई है। तो देखिए हमारे पास थोड़ा सा और रखा हुआ है। ये देखिए पहले तो दो पीस हम इन गधों को भी दे देते हैं। ये देखिए इन लोग भी बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं यार, बहुत मज़ा आता है। तो मैं इन्हें इतना दे के छोड़ देता हूँ। ये देखिए सुंदर, इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसी से, इनको बस अपना खाना है खाना है और ख़त्म कर देना है। एक दिन में ही ख़त्म कर देते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा। इन लोग भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, देखिए क्या कलर है यार मछलियों का। इसकी पता नहीं इसे कैसे करते हैं, ये मैन मेड फिश है या फिर इसे इंजेक्शन दिया गया, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कलर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये देखो बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं यार ये खाना, एग खाते हैं। और इन्हीं में का वो बच्चा है जो हमारे पास ऊपर फ्राइज है, वो इन्हीं के में से बच्चे हैं। ये ज़ेब्रा फिश है, कितनी तेज़ी से घूम रही है, और वो बहुत जल्दी बड़े होंगे, और फिर मैं इसमें ही डालने वाला हूँ उसे। तो हम अपने ऑस्कर्स पे आते हैं वापस, और चलिए आपको फिर से और खाना उन्हें देता हूँ। वो तो खाएगी नहीं, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये हमने पकड़ा मुट्ठी में, हम चकमा देने के लिए कुछ इधर डालते हैं, बाकी का उधर। ये देखिए देखिए ये देखिए ये देखिए, ओ भाई साहब, ये अब असली रंग में आ चुकी है। अपने ऑस्कर जो होती है वो ऐसे ही खाना खाती है, अब आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं। ये देखिए वो दो बड़ा बड़ा पीस खा चुकी है, और मुझे तो लगता है अब वो सबकी वाट लगाने वाली है अगले दिन, क्योंकि एक दो दिन सेट होने में लगता ही है हर फिश को टाइम। ये देखिए अब वो ऊपर जा रही है, बहुत देर से वो घूम नहीं रही थी, लेकिन अब देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से ऊपर घूम रही है। सबसे अच्छा तो इसका कलर है, अगर आप मेरे घर आके नेकेड आई से देखेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वीडियो में उस तरीके से नहीं दिखता जिस तरीके से हम देखते हैं, लेकिन फिर भी आप हाई क्वालिटी में देखेंगे तो आपको दिख ही जाएगा, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये फिश। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो और कोई भी दिक्कत नहीं है हमें इसे रखने में, ना कोई हमें मछली काट रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, कोई मछली इसे तंग भी नहीं कर रही है। तो यही थी आज की वीडियो, मैं आपको दिखाना चाहता था कि मेरी वाली फ़िश भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और काफ़ी लोग तो बहुत ज़्यादा गंदा गंदा कमेंट करते हैं कि आपकी फ़िश फिर से मरने वाली है, ये मरने वाली, वो मरने वाली। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। और ये देखिए हमारा टैंक बहुत ख़तरनाक दिख रहा है अब, और वो वाली भी बड़ी हो जाएगी, तो फिर हमारे पास तीन बड़े बड़े ऑस्कर हो जाएंगे, फिर तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।